फाइव सेकेंड, टू सेकेंड, रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि हमें वे क्षेत्र चुनने चाहिए जिनमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रभावी हो सकते हैं, पर यह चयन बहुत सावधानी से करना होगा। हम कुछ किस्मों की प्रौद्योगिकी का आयात कर सकते हैं ताकि उन्हें और विकसित कर सकें, पर हम बार बार आयात नहीं कर सकते। यह बात महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार में बाधा पहुंचाने वाली बहुत सी बातों को हमने हटा दिया है। इस कारण से अब भारतीय उद्योगों को देश विदेश से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपके पास अपनी प्रौद्योगिकी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं कि प्रौद्योगिकी 100% आपकी अपनी हो, पर ऐसी हो जिसको आपने सुधारा हो और जिसका भारतीयकरण किया हो, तो आप प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीछे छूट जाएंगे। आप केवल दूसरों की नकल करते रहेंगे, दूसरों से आयात करते रहेंगे और फिर भी पीछे रहेंगे। ऐसा ही होगा अगर हम अनुसंधान और विकास के आधार का अपनी सीमाओं में अपने ही बल पर विस्तार नहीं करते। व्यापार असंतुलन को दूर करना अपने आप में महत्वपूर्ण है, पर इसी को लक्ष्य बना लेना पर्याप्त नहीं है। भुगतान असंतुलन की हमारी समस्या तभी दूर होगी जब हम प्रौद्योगिकी का शुद्ध निर्यात करना शुरू कर देंगे। और यह मैं भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के सामने एक चुनौती के रूप में रख रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि एक कार्य योजना बनाई जाए। उद्योग और वैज्ञानिक संस्थाएं मिलकर बहुत जल्दी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कुछ सार्थक कदम उठाएं। ऐसा विशेष तौर पर उन दो क्षेत्रों में किया जाए जो हमने चुने हैं, सौर ऊर्जा और जीन बैंक। सच तो यह है कि वैज्ञानिक समुदाय के संपूर्ण सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं यह चुनौती आपके सामने रखता हूँ। भारी संख्या में उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराने के संदर्भ में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। फसलों के उत्पादन से संबंधित अनुसंधान और विकास में निवेश के सिलसिले में अभी बहुत कुछ किया जाना है। दालें, तिलहन, धान और गन्ना स्पष्टतः ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें और सघन शोध की आवश्यकता है। कृषि संबंधी शोध का दायरा केवल जमीन के प्रबंध तक ही सीमित ना होकर उत्पाद के संरक्षण, पैकिंग और ढुलाई को भी अपने में सम्मिलित करें।